थैंक यू एक्चुअली मेरे हस्बैंड सीईओ बने और मेरे हस्बैंड जिन्होंने सीईओ बना दिया तूने शुरू ऐसे किया, मैंने कहा मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग करूँ। हाँ, so इनके हस्बैंड जो है वो सीईओ बने। आगे एक्चुअली करण का प्रमोशन हुआ है लाइफ में और वर्क लाइफ में, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी है। एक्चुअली सीईओ बनने की खुशी में घर पे बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। अच्छा, बात करें अटायर की, काफ़ी खूबसूरत ये पार्टी का थीम है ना। हाँ, वाइट इज द थीम, सो वी आर ऑल ड्रेस्ड अप लाइक दैट। या इसके साथ वाइट, ऑल वाइट लहंगा एंड पिंक दुपट्टा, बेबी पिंक दुपट्टा एंड द मैचिंग नेल पेंट। या ज्वेलरी इज ऑल्सो ऑल सिल्वर। पर्ल नहीं है, पर्ल है। ओके, हाँ ये वही पहना, पर्ल वाला पहना तुमने। अच्छा, सो मेरा सूट है वाइट और ब्यूटीफुल दुपट्टा। या वेरी प्रिटी दुपट्टा, आई लव दिस दुपट्टा। या तो ये सीक्रेट है इनका, लहंगा और ये दुपट्टा साथ में बन गया। सो या एंड वही शादी के चूड़े और इयररिंग्स और गला तो बंद है। सो तो अब सीन की बात करें तो देखा जा रहा है कि करण को काफ़ी दोनों बहनें मना रही हैं, बहुत प्यार भरा गुस्सा भी नज़र आ रहा है, हर चीज़ें याद दिलाई जा रही है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, प्यार भरा गुस्सा। जी, एक्चुअली एकदम एंड टाइम पे करण को एलर्जी हो गई और फिर से मतलब इट्स वेरी अपसेटिंग कि जब भी उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी ऊपर आता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वापस वो गिर जाता है और नैना को लगता है वो माय गॉड इतनी मुश्किल से तो वहाँ तक पहुँचाया था। तो वही सिचुएशन है, ही डजंट वांट टू कम टू द पार्टी एंड अब ये दोनों मिलकर उसको पूरा इंसिस्ट कर रही हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ तक ये लड़ाई दोनों बहनें लड़ी थी, हाँ शारदा माँ भी सपोर्ट करने आ चुकी है। बिल्कुल, इसलिए तो अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है क्योंकि जहाँ शारदा माँ है और खुशियों भरा माहौल है, आप देख सकते हैं सब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। तो नैना तो वैसे कोशिश करिए तो क्या कामयाब हो पाएंगी? होपफुली यस। वो तो देखने वाली बात है जो इतने सालों में नहीं हुआ, 15 दिन में कैसे होगा। उस और चीज़ में पूछ रहा हूँ, मुझे लगा पार्टी में लाने के लिए कामयाब। मैं उससे बाहर निकालने के लिए, हाँ वो आई थिंक बहुत चैलेंजिंग है नैना के लिए क्योंकि अभी तक यही दिखाया गया है कि बचपन से जो चीज़ थी वो अभी तक, ऑब्वियसली चौहान जी तो बहुत बड़े डॉक्टर्स के पास गए होंगे पर नहीं हो पाया। अब नैना ये कर पाएगी या नहीं, दैट विल हैव टू वॉच। लेकिन बहुत कुछ है जो नैना ऑलरेडी करवा चुकी है करण से, तो अगर वो करण को डांस करवा चुकी है, उसका कॉन्फिडेंस वहाँ तक उसने पहुँचा दिया था कि यार इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया उसने इतना अच्छा, तो आई एम श्योर वो आ जाएगा। हम तो निकल गए यहाँ से गुस्से में, अब मुझे लग रहा है कि आ जाएगा करण। थैंक यू